एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा देखिए, एक तरफ वैक्सीन पर खुशखबरी आने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने तो वैक्सीन को नपुंसकता से जोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के वैक्सीन पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। कोरोना पर टूटा अखिलेश का जवानी कंट्रोल, वैक्सीन पर लगाया बीजेपी का ठप्पा। क्या कोरोना वैक्सीन नपुंसक बना देगी? अब जब वैक्सीन आने में चंद दिन या कुछ घंटे बचे हैं तो इस पर अखिलेश यादव के बयान ने सियासत गरमा दी। बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने वैक्सीन का बीजेपी से रिश्ता जोड़ते हुए वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया तो उनके पार्टी के विधायक ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे नपुंसकता से जोड़ दिया। सिर्फ समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश की किसी जनता को अच्छी नहीं लगवाई। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें होंगी नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। अखिलेश यादव ने वैक्सीन पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने ट्वीट कर लिखा, आवाम के दुश्मन देश के दुश्मन कह रहे हैं वैक्सीन नपुंसक बना देगी, मुस्लिम वोट के लिए किस हद तक गिर सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। वैक्सीन पर अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने चौतरफा हमला किया। अखिलेश यादव तो कभी भी सत्ता में नहीं आने वाले हैं, तो वैक्सीन कब लगवाएंगे? देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को देश की सरकार पर भरोसा है। ये गुमराह करने वाला बयान देना बंद करें अखिलेश यादव। भ्रम फैलाने की कोशिश ये उचित नहीं है, राजनीति इसमें कभी नहीं होनी चाहिए। और वैज्ञानिकों का जो अपमान किया है ये कहकर कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, ये बिल्कुल उचित बयान नहीं है। अखिलेश यादव जी को इसके लिए न केवल अपने बयान को रिट्रैक्ट करना चाहिए अपितु उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी एक युवा नेता थे जिनको कम उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, वो वहाँ पर भी विफल हुए जो दुर्भाग्यपूर्ण था, और अब उससे दुर्भाग्यपूर्ण इनकी ये स्टेटमेंट है जब वो कहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे और इसको भाजपा की वैक्सीन कहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो अखिलेश यादव पर लोगों को गुमराह करने का आरोप तक लगाया। अत्यंत दुखद, अखिलेश जी तो कोरोना वैक्सीन गुप्त रूप से लगवा लेंगे लेकिन अपने प्रशंसकों को गुमराह कर उनके जीवन के साथ खेल रहे हैं। खुद की राजनीति चमकाने के लिए यह लाखों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जान लेंगे। वैक्सीन पर दिए बयान को लेकर अखिलेश यादव न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्ष के निशाने पर भी रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला ने बिना नाम लिए उनकी खिंचाई की। मुझे किसी और का तो पता नहीं लेकिन जब भी मेरी बारी आएगी मैं खुशखबरी से टीका लगवाऊंगा। ये वायरस बहुत परेशान करने वाला रहा है, अगर कोई वैक्सीन सामान्य स्थिति लाने में मदद करता है तो मुझे चुने। वैक्सीन पर अपने दिए बयान के बाद चारों तरफ से घिरने के बाद अखिलेश यादव बैकफुट पर आए और सफाई दी। ट्वीट कर लिखा, हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है पर बीजेपी की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच और बीजेपी सरकार की वैक्सीन लगाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में ठप सी पड़ी रही है। हम बीजेपी की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी को अभी यह समझना चाहिए कि कोरोना काल में दुनिया को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है वैक्सीन की। ऐसे में वैक्सीन से कोरोना के अंत की उम्मीद लगाए लोगों को हौसला देने की जरूरत है, वैक्सीन पर सही जानकारी देने की जरूरत है।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।